नमस्कार दर्शक बंधुओं, मैं दीपक होलीवाल, आप देख रहे हो लिंग लव बर्ड चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपना अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। तो भाई, इस टाइम आपको पता ही है इंटर का टाइम चल रहा है, जो कि लव बर्डों को या हर बर्डों को इनको बहुत केयर करनी पड़ती है, जो कि भाई इस टाइम आप सबको ही पता होगा कि चल होगा कि रात में कितनी ठंडी हो जाती है, जिससे बर्ड्स को ठंड लगने का भी डर होता है। तो भाई आज मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स शेयर कर रहा हूँ जो कि बर्ड्स के केयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई आप जब भी आप रात को केज को ढका करें, तो रात के टाइम जब भी आपको टाइम मिलता है दोस्तों, तो आप अपना जो केज के अंदर वाटर रखा होता है लव बर्ड का या कोई भी बर्ड हो, उनके केज से ये वाटर जो इनका वाटर होता है इनको हटा लेना चाहिए, ताकि भाई जो रात में जो इनको केज में जो गर्मी बंधी होती है वो गर्मी गर्मी एकदम ऐसी हो जाती है जो कि एकदम प्रूव होता है बर्ड कि हाँ वो हैप्पी है, एकदम सही होता है। मगर इस पानी की वजह से भाई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है बर्ड्स के लिए। तो भाई आप कृपया ये वाटर है आपके, इसमें ये हटा लेना चाहिए रात के टाइम, और सुबह मॉर्निंग में आप वाटर रखा करो गाइस, क्योंकि भाई रात में ये बर्ड्स होते हैं जो कि इनके केज में जो हवा थोड़ी वेंटिलेशन होती है वहाँ से क्रॉस होकर आ रही होती है हवा, वो पानी पानी के अंदर सीधा जाके जो बर्ड्स का केज का माहौल होता है वो ठंडा कर जाते हैं, वो गर्म नहीं हो पाता दोस्तों। ये सिर्फ वाटर के कारण होता है आप, और सुबह सुबह वाटर देख के गाइस ये बर्ड्स होते हैं जो कि नहाने भी लगते हैं। आप देख रहे होंगे ये निशान पड़े होंगे, ये भाई पानी इन्होंने नहाया था और ये सारा निशान पड़ गए, इसलिए मैं मेरे को पता लग पाया, वरना पता नहीं लग पाता दोस्तों। तो भाई आप भी ये ध्यान रखिए कि रात के टाइम आप सोते वक्त बर्ड्स को जब ढकते हो और बल्ब वल्ब जलाते हो इसके केज को गर्म हीट करने के लिए, तो ये वाटर का कटोरी जो भी है वो हटा लेना चाहिए गाइस। और सर्दी में हमेशा जो इनके पानी के लिए आप बर्तन यूज़ करते हो वो हमेशा प्लास्टिक के रखने चाहिए, ना कि ऐसे मिट्टी वाले रखने चाहिए और ना कि ऐसे स्टील वाले, क्योंकि जो बर्तन होते हैं ये वाटर को ठंडा कर देते हैं, क्योंकि हवा को एब्जॉर्ब करते हैं, हवा होती है ठंडी इस टाइम, और जो हवा होती है वो वाटर में इंक्लूड हो जाती है, और भाई जिससे कि वाटर ठंडा हो जाता है। तो आप हमेशा कभी भी बर्ड्स को अपने बर्ड्स को हमेशा सिर्फ भाई प्लास्टिक के गिलास में ही, प्लास्टिक के कटोरे में वगैरह में उनको प्रोवाइड कीजिए पानी, ताकि प्लास्टिक में भाई हमेशा पानी गर्म रहता है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बोतल हमेशा गर्म रहती है, क्योंकि प्लास्टिक की तासीर गर्म होती है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके गाइस, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए शेयर करता रहूँगा जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा आप बर्ड्स के केयर में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।